सब्सक्राइब करें ऑल बर्ड्स ब्रीडिंग एंड केयर टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद इकबाल, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल ऑल बर्ड्स ब्रीडिंग एंड केयर टिप्स पर। दोस्तों, आज मैं हूं डीजी खां के अंदर और एक दोस्त के मछली फार्म विज़िट करने के लिए, और ईसा खान साहब इनका नाम है और डीजी खां के अंदर ये मछली फार्म है और इन्होंने सारे का सारा जो मछली फार्म है वो सोलर के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, सोलर प्लेटों के ऊपर। ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा, अभी आपको इनके फ्रेम वगैरह चेक कराएंगे और ये फ्रेम खुद ही बनाते हैं। ये देखें, अगर किसी भाई ने फ्रेम लेने हों इनसे या बनवाने हों इनसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगा आपको। अभी मैं आपको जो सारा मछली फार्म है वो चेक कराऊंगा और ख़ास तौर पर जो सोलर प्लेटें हैं उनके जो फ्रेम है, ये देखें नीचे वाले, ये दिखाऊंगा और ये देखें माशाल्लाह से, ये आप इस तरह करेंगे कि अगर सूरज इस तरफ हो आप इसको आसानी से मोड़ सकते हैं। ये देखें, ये सारा का सारा जो मछली फार्म है इनका, ये सोलर प्लेटों के ऊपर ही लगा हुआ है। ये देखें, और ये देखें, ये मोटर वगैरह लगी हुई हैं माशाल्लाह से। ये देखें, अभी तो ये बंद पड़ा हुआ है। ये देखें, ये सारा सिस्टम सोलर के ऊपर लगा हुआ है, ये मोटरें वगैरह चलती हैं। ये 3 से 4 सीड हैं जो कि सोलर पैनल के ऊपर लगी हुई हैं। ये देखें, ये इसका जो डिवाइसेस वगैरह है, ये इसके ये लगी हुई हैं जो इसका कंट्रोलर जैसे आप कह सकते हैं। ये देखें, एक पैनल के अंदर तकरीबन आपको नज़र आए 10 से 12 प्लेटें लगी हुई हैं। ये आपको चेक कराते हैं, ये देखें, ये फ्रेम बनाते हैं भाई, और ये आप इसको जहाँ भी जिस साइड पे भी आप इसको बसानी से इनका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये ईसा खान साहब जो हैं ये ख़ुद ही बनाते हैं फ्रेम। अगर किसी भाई ने बनवाना हो तो इनका नंबर वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। ये देखें, आप जिस डायरेक्शन में भी इसको ये देखें खड़ा कर सकते हैं, ये बसानी से उसी साइड पे ये मुड़ जाएगी। ये देखें, ये आप ये इनके फॉर्म देखें, काफ़ी बड़े, सारे के सारे फॉर्म जो हैं वो सोलर पैनल पे ही अटैच हैं। ये देखें माशाल्लाह से इनका सेटअप वगैरह काफ़ी अच्छा किया हुआ है। ये देखें, इस तरफ देखें और इस तरफ सारे के सारे जो सोलर पैनल हैं वो लगे हुए हैं। आपको इसका जो है वो फ्रेम वगैरह चेक कराते हैं, फ्रेम ये खुद ही बनाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी मेहनत की हुई है। ये देखें, इस तरह फ्रेम लगा हुआ है, इसको आप जिस डायरेक्शन में भी मोड़ सकते हैं, ये आसानी से मुड़ जाते हैं। ये देखें, किसी किस्म की इसमें ज़्यादा एफर्ट वगैरह नहीं लगानी पड़ती और एक ही बंदा इसको आसानी से मोड़ सकता है। ये देखें, एक ही बंदा इसको आसानी से जितनी डायरेक्शन में आप इसको मोड़ना चाहेंगे आसानी से ये मुड़ जाती है। ये देखें भाई इसको मोड़ रहे हैं। ये सारा कमाल फ्रेम के ऊपर होता है, फ्रेम जितना सही बना हुआ होगा ये उतना ही कम एफर्ट लगेगी और जिस डायरेक्शन में आप इसको मोड़ना चाहें तो वो मुड़ सकता है। ये देखें, बहुत ही अच्छे ये फ्रेम बनाते हैं। अगर किसी भाई ने बनवाना तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये देखें, ये चारों तरफ यही
सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से एक ही साइड पर 4 से 5 सोलर पैनल की जो प्लेटें हैं वो लगी हुई हैं फ्रेम के साथ। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये एक और ये दूसरा और एंड में है वो तीसरा पड़ा हुआ है। ये देखें दोस्तों, ये देखें काफ़ी फ़ायदा होता है इस प्लेट वगैरह से जो भी फिश फार्म के मालिक वगैरह हैं इनको, क्योंकि जो ही धूप निकलती है तो ये मोटर चलना स्टार्ट हो जाती है और इससे ना ज़्यादा डीजल का ख़र्चा होता है और ना ही जो है बिजली का ज़्यादा वेस्ट होता है इससे। माशाल्लाह से सारे के सारे जो फिश फार्म है वो भरे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों ये स्क्रीन पर इनके नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे, अगर आपने सोलर पैनल के जो स्टैंड वगैरह हैं आप इनसे बनवा सकते हैं, फ्रेम वगैरह बनवा सकते हैं इनसे। ये देखें माशाल्लाह से जितने भी आप कहेंगे ये आपको बना देंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ वो हमेशा नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।